अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों आज हम कुवैत की एक बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो नया वीज़ा के हवाले से होने वाली है। आपको बता दें कि कुवैत के अंदर कुछ नए वीज़ा जो है वो जारी किए गए हैं, और ये नए वीज़ा किस काम किए हैं, चलिए मैं पूरी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। नए वीज़ा के हवाले से अपडेट आई है, सोचो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। चलिए अभी पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अपडेट ये है कि कुवैत में 33 अजनबियों को न्यू एंट्री वीज़ा जारी किया गया। अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 33 विदेशी कर्मचारियों को मंत्री परिषद में कमेटी की मंजूरी दी गई है, जो देश में प्रवेश करने के लिए प्रवासी कर्मचारियों के लिए नए कार्य परमिट के लिए कंपनियों के अनुरोध पर विचार करने के आभारी हैं। यानी कि यहां पर बताया गया है कि 33 ऐसे अजनबियों को परमिशन दी गई है जो कंपनियों की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, और कहा जा रहा था कंपनियों की तरफ से कि हमें वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके चलते 33 वीज़ों को यहां पर अप्रूवल दिया गया है। 33 न्यू एंट्री वीज़ा जो है वो अजनबियों को दिया जाएगा, और इन 33 वीज़े पर कुवैत में जो है वो अजनबी लोग काम करने के लिए आ सकेंगे। आपको बता दें कि ये वीज़ा जो है वो कंपनियों का है। यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है कि कंपनियों के मालिकान की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें वीज़ा जारी करना है, हमें वीज़ा चाहिए। उनकी रिक्वेस्ट पर जो है वो पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर की तरफ से इस हवाले से कमेटी की तरफ से अप्रूवल जो है वो दिया गया। अब 33 नया वीज़ा जो है वो कुवैत में जारी कर दिया गया है, जिस पर अजनबी लोग कुवैत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि अभी डोमेस्टिक वर्करों के लिए वीज़ा जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं शुरू किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप देखना कि जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर होते हैं उनके लिए भी वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हो सकता है ज़्यादा तादाद में ना शुरू किया जाए, कुछ लिमिट में किया जाए, लेकिन बहुत ही जल्द वीज़ा के हवाले से कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी कंपनियों में काम करने वालों के लिए। जैसे ही अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल ये एक अपडेट जारी हुई थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है।